और 14 साल में चार प्रयोग, लेकिन सब, सब लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है। कोलकाता में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है और देश में तीसरा मोर्चा बनाने की बात भी कही जा रही है ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही एक रैली को संबोधित किया था जिससे कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने एक ही बताया था इसलिए हम अलग राह पर चलेंगे कोलकाता में हुई बैठक के बाद में दीदी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि लगातार बीजेपी जनता के साथ में धोखा कर रही है अखिलेश यादव तय कर रहना है कि परिवर्तन संकल्प है और कांग्रेस विकल्प है देश का आवाम चाहता है दो हजार में परिवर्तन हो जो वायदे देश में मोदी सरकार ने किए नौ साल में आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा आदरणीय अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तब तो देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तय कर लें क्या करना है क्या नहीं करना हम तो देश में लड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने कहा था मगर वो तय कर लें किसके साथ जाना है मगर देश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और सड़क पे लड़ रही है सदन में लड़ रही है तो अखिलेश यादव जी को तय करना है वो किस विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहता ये तो आने वाला कर, कल बताएगा लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह के मोर्चे कोई चुनौती नहीं है तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा इस तरह का कि कवायद जब भी चुनाव आता है तो विपक्षी दल बनाते हैं लेकिन इसका कोई असर जनता के ऊपर नहीं पड़ता क्योंकि जनता ने सबके इनके काम देखे हैं और 2017 में श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ यहाँ समझौता किया था समाजवादी पार्टी पूरे देश में जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है हम लोगों का ये प्रयास है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उस गैर भाजपाई सरकार में सारी विपक्षी पार्टियां शामिल हों हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए देश में तीसरा महागठबंधन करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट हो रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात किया और तीसरे मोर्चे बनाने की बात कही अखिलेश यादव ने सीएम आवास पर बात कही कि 2024 का लोकसभा चुनाव दीदी के साथ मिलकर लड़ेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे बनाने की जो बात कर रहे हैं अगर बात की जाए बीजेपी की तो लगातार कह रही है कि अखिलेश यादव 2017 में भी गठबंधन कर चुके हैं और 2019 में भी गठबंधन कर चुके हैं इसका खास असर देखने को नहीं मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है कि विकास की जो राजनीति है वह भारतीय जनता पार्टी ही कर रही चौदह सालों में लगातार विपक्ष एकजुटता चार बार चार बार नए प्रयोग कर चुका है लेकिन विपक्ष को सफलता नहीं मिली ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 के चुनाव में जो विपक्ष तीसरे मोर्चे की जो कवायद है वो कितनी सफल हो पाएगी ये तो देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा कैमरा पर्सन साकेत के साथ में विनाश एम न्यूज लखनऊ